फिलिस्तीन के हक में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने नए साल के मौके पर वर्ल्ड लीडर्स को ट्वीट करते हुए फिलिस्तीन के हक में बात की, कहा वेयर इज फॉरेन पॉलिसी। आदाब, आप देख रहे हैं गली न्यूज। नाज़रीन कराम, फिलिस्तीन की सूरत हाल से दुनिया का बच्चा बच्चा वाकिफ है, क्या खास क्या आम, हर कोई इस जंग के हवाले और बेकसूर फिलिस्तीनी शहीदों के हवाले से दिल बर्दाश्ता है, जिसकी मजम्मत में छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी शख्सियत ने ट्वीट या बयान देकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। बॉलीवुड की मशहूर और टैलेंटेड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने भी नए साल के मौके पर ट्वीट करते हुए सीधा सीधा वर्ल्ड लीडर से मुखातिब होकर 2023 की दर्दनाक जंग यानी हमास और इसराइल के बीच को मौजू बनाते हुए कहा कि 2023 बहुत ही दर्दनाक और नाकाबिले फरामोश रहा। हम धीरे धीरे फिलिस्तीनी बच्चों को खो रहे हैं, 30,000 से भी ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और मेरे ट्वीट करने तक ना जाने और कितने बच्चे शहीद हो जाएंगे। हमास के जवाबी कार्रवाई में इसराइल की जंग में ना जाने कितने बच्चों और गाजा के शहरियों को कीमत चुकानी पड़ी है। सेलिना ने मजीद कहा कि कहां है फॉरेन पॉलिसी, कहां है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, कहां है ह्यूमन राइट्स वाले और दुनिया के अजीम और बड़े लीडर्स मिलकर इस जंग को क्यों नहीं बंद करवाते। मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया है। इस साल को मैं दुआओं के साथ ख़त्म करती हूँ कि हर कोई अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। नाज़रीन कराम, आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस तरह की मज़ीद खबरों के लिए गली न्यूज़ पर बने रहें।